Click on the bell icon to watch our latest videos. वेद में शब्द आता है कि रुद्र. ये रुद्र शब्द वेदों से आया है और ऐतरेय ब्राह्मण में कहते हैं कि इनका नाम हल्के से नहीं लेना चाहिए. यू नो, जैसे एक ऐसे बहुत ही पावरफुल गॉड है जिससे लोग थोड़ा डर रहे हैं. ऐसा एक इमेज आता है जो कोई छांव में बैठे हुए दूर वाले देवता हैं, हु इज एसोसिएट विद वनस्पति, प्लांट्स, हर्ब्स, मेडिसिंस. तो ये जंगल के देवता हैं, दूर वाले देवता हैं. देयर इज दिस. तो शिव का कॉन्सेप्ट है वेद में, पक्का है, लेकिन हम जैसे अभी जानते हैं वैसे नहीं है. रूप नहीं है लेकिन एक काइंड ऑफ ऑ है, एक फियर है कि बहुत ही पावरफुल देवता है कॉल्ड रुद्र. ये इंद्र सब मेन स्पॉटलाइट में है, लेकिन जो एकदम शेडोज में दूर में कहीं तो रुद्र है वहाँ पे, और उनसे लोग डरते हैं, उनकी पूजा करते, उनकी यज्ञ में आवाहन करते हैं. लास्ट में जब यज्ञ समाप्त होता है तब रुद्र की आवाहन करो, मतलब पहले पहले मत बुलाओ उनको, ये कुछ गड़बड़ कर लेंगे. ऐसे एक एक एनर्जी जो है एक ऑफ फॉरबिडिंग, फॉरबिडिंग भोलेनाथ का, भोलेनाथ इमेज नहीं, ये सब इमेज नहीं है. शंकर, भोले बाबा, ये सब पौराणिक कथाओं में मिलता है, वेद में नहीं मिलता. देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में. जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ. डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप.